उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के जो निर्णय हैं वो आ चुके हैं। कानपुर से रमेश अवस्थी ने भारी मतों से विजय हासिल की है। रमेश जी, किस तरीके से जनता का ये जनादेश स्वीकार कर रहे हैं आप? पहले सबसे पहले कानपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने मुझे अपना अमूल्य वोट देकर मुझे कानपुर का सांसद बनाया, और साथ में अपने भारतीय जनता पार्टी के देवतुल कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सुरेश अवस्थी जैसे लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूरे दिन रात एक करके मुझे यहाँ इस स्टेज पर लाए, मुझे जिताया। माननीय हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हों, चाहे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी हों, चाहे हमारे दक्षिण के अध्यक्ष शिवराम सिंह जी हों, हमारे दीपू पांडे जिला अध्यक्ष हों, सब लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दिन रात एक मेहनत की और इसलिए मैं चुनाव जीत सका। और मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी मेहनत का परिणाम है कि आज मैं यहां सांसद बन सका। अच्छा, जनता एक ऐसे सांसद को तलाश रही थी कि जो कानपुर के विकास को तेज़ी से गति दे सके, शायद वो आप में देखा उन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से जनादेश है जहाँ बड़े बड़े धुरंधर हार गए और कानपुर से आपने जीत हासिल की, जबकि आपके संगठन में काफ़ी भीतरघात हुआ, तो इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि संगठन के सभी पदाधिकारी हमारे लिए पूरी तरह से लगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जनता की अपेक्षा थी, जनता चाहती थी कानपुर का, जनता विकास चाहती है, कानपुर का पुराना गौरव पुराना वैभव वापस हो ये जनता चाहती है। जनता चाहती है कि कानपुर जो पहले कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट हुआ करता था, कानपुर देश के बड़े 5 शहरों में हुआ करता था, उसका पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस हो। मैंने जरूर जनता को वादा किया था और मैं उनसे फिर पुनः वादा करता हूँ, भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैंने जो भी वादा किया और आपने मुझसे जो भी अपेक्षा की, आप कानपुर के लिए जो भी सपना देख रहे हैं, जो देखा है, उसको मैं जरूर पूरा करूंगा, ये मैं आम जनमानस। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पत्रकारिता लाइन के बहुत बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं। आज के समय में जो पत्रकारिता स्थिति है वो काफ़ी दयनीय होती चली आ रही है, इसको लेकर अब आपसे काफ़ी उम्मीदें भी हैं उन पत्रकारों को, तो इसको लेकर किस नज़रिए? सभी पत्रकार साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, चाहे कानपुर हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश के सभी पत्रकार साथियों ने मेरा बहुत सहयोग किया, और ऐसा नहीं कि कोई चुनाव में सहयोग किया, इससे पहले भी मुझे वो हमेशा मोटिवेट करते रहे राजनीति में आने के लिए, और जब मैं राजनीति में आ रहा था और राजनीतिक कार्यक्रम कर रहा था, हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया। इसलिए सब पूरे देश और हमारे प्रदेश और हमारे विशेषकर कानपुर के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कानपुर के पत्रकार साथियों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कानपुर में कुछ ऐसा हो, ऐसा किया जाए, चाहे वो प्रेस क्लब, भव्य प्रेस क्लब के निर्माण की बात हो, चाहे कानपुर में और जो पत्रकारों साथियों के हितों की बात हो, कि मैं पूरा उनके साथ हूँ और जब जब उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ये हमारे साथ कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी थे। उन्होंने जिस तरीके से कहा जनता का जनादेश है उसको स्वीकार करते हुए कहा है कि पत्रकार हित के लिए तो काम किया जाएगा, जनता ने जिस उम्मीद से हमें जिताया है, जो कानपुर के विकास को तेज़ी से बढ़ाया जाएगा उसको भी पूरा करने का काम करेंगे, और पहली प्राथमिकता कानपुर के विकास से लेकर ट्रैफिक और जो तमाम समस्या उनको पूरा करने का काम करेंगे। कानपुर से आदर्श श्रीवास्तव के साथ मैं विजय सिंह यादव, ABC News के लिए।